अब विधानसभा में नहीं संसद में करेंगे अपनी आवाज को बुलंद। सांसद हनुमान बेनीवाल ने एमएलए पद से दिया इस्तीफा। नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल कर सांसद बनने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान बेनीवाल ने आज मंगलवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बेनीवाल के साथ नरेंद्र खीसड़ ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया है। हनुमान बेनीवाल आज विधानसभा पहुंचे और शाम को 4 बजे अपना इस्तीफा सौंपा। नियमानुसार 14 दिन में इस्तीफा देना पड़ता है, ऐसे में हनुमान बेनीवाल ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है। नागौर लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले श्रीमान हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीतने के बाद कहा था कि अब नागौर में विकास की गंगा बहेगी, अब कोई काम बाकी नहीं रहेगा। अपनी शानदार जीत के बाद बेनीवाल ने कहा था कि नागौर ही नहीं पूरे राजस्थान के लिए हमने प्राथमिकताएं तय की हैं। एक तो तमाम टोल माफ हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले, विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले, किसानों की कर्ज माफी के लिए हम विशेष प्रयास करेंगे, नागौर में मिलिट्री स्कूल खुले, विकास में नागौर को एक नंबर पर देखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब अलग तो रहा ही नहीं है। जब हमने कहा कि परिवार का हिस्सा है, हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाजपा से गठबंधन करें तो हमने राष्ट्रहित में ये फैसला किया, आगे भी ये ऐसा फैसला लेते रहेंगे। एक सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा था कि देखिए, मंत्री पद का मुझे कोई लालच नहीं है, गठबंधन के समय ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, इसलिए नेतृत्व जो निर्णय करेगा वही स्वीकार करेंगे। गौरतलब है कि श्रीमान हनुमान बेनीवाल ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत गए। बेनीवाल ने नागौर से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा को 1.5 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराया। नागौर लोकसभा क्षेत्र के 19,24,566 में से 11,09,032 लोगों ने मतदान किया था। बेनीवाल को 6,60,051 जबकि ज्योति मिर्धा को 4,78,751 मत मिले। इसके अलावा 13,049 लोगों ने नोटा का प्रयोग किया। एक नज़र हनुमान बेनीवाल की जीत के कारणों पर। युवा वर्ग में लोकप्रियता। ऐसी ही खबरों को पाने के लिए आप द सुगम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाइए, हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।